अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो केक बना रही हूँ वो मेरे बेटे की बर्थडे का केक है, तो थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन भी खास होगी। मगर ये वीडियो मैं डेकोरेशन के लिहाज से नहीं शेयर कर रही, ये मैं इसकी आइसिंग के लिहाज से कर रही हूँ। और ये बहुत सिंपल आइसिंग है, बहुत ईजी, हर कोई इसको आसानी से बना ले, इसमें कोई झंझट नहीं करना पड़ेगी आपको। और ये जो आप आइसिंग देख रहे हैं वो बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स है जो ईजिली अवेलेबल होते हैं और झटपट रेडी हो जाती है। बस आपने केक रेडी करना है और आइसिंग, फिर आप अपनी पार्टी इंजॉय कीजिए, चाहे गेस्ट के सामने रखिए। तो मैं इसको किस तरह बनाऊंगी इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये जो वीडियो मैं डेकोरेशंस कर रही हूँ इसकी मैं एक अलग वीडियोस आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी डेकोरेशन में लगी हुई हूँ। और ये देखिए, ओ ये कहिए तो दूसरा केक है, एक्चुअली ये मैंने दोबारा बनाया था, उस वक्त मैं इसकी आइसिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकी थी, तो मैंने इसकी बच्चों की फरमाइश पे दोबारा ये केक रेडी किया है। और इसकी आइसिंग में आपको सेम ही आइसिंग है आपके साथ आज शेयर करूंगी। केक मैंने रेडी कर लिया है, इसकी रेसिपी आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी। और अब मैं इसकी आइसिंग रेडी करूंगी केक बोर्ड पर रखने के बाद। इसको के लिए आइसिंग रेडी करने के लिए मैंने पैन में बटर डाला है, 2 टेबल स्पून बटर डाल के, आप शुगर अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने ली है 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर ले ली है। ये मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ फुल पैक, आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, मेरे पास मिल्क का पैक रखी हुई थी तो मैंने ये यूज़ की है, मुझे इसका थोड़ा टेस्ट भी अच्छा लगता है। अब इसको आपने थोड़ा स्लो फ्लेम पर कुक करना है और थोड़ी देर तक कुकिंग होगी। और आप चाहे तो थोड़ा सा आँच तेज़ भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा केयर करना है इसको, साथ साथ आपको हिलाते रहना है कि ये लग ना जाए। शुरू शुरू में ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी और ऐसे ऐसे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी, और जब ये गाढ़ी होने लग जाएगी तो हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। अब ये देखिए इसमें काफ़ी गाढ़ापन महसूस हो रहा है और मैं इसको हिलाती भी जा रही हूँ साथ साथ, ताकि ये लगे भी ना। अब मैंने इसमें ब्लू कलर का फूड कलर ऐड किया है, बहुत ही थोड़ा सा, बिल्कुल पिंच के हिसाब से, और इसमें सब अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग दे दी है ताकि इसका कलर सब जगह इक्वल सा हो जाए। और फूड कलर के लिए ज़रूरी है कि किसी अच्छी ब्रांड का लें ताकि उसका टेस्ट अजीब सा ना हो जाए, क्योंकि अक्सर चीज़ों में डालने से बहुत इसका टेस्ट ख़राब फील होता है। और कोशिश करना चाहिए कि थोड़ी कम ही क्वांटिटी में डाला जाए, क्योंकि थोड़ा इतना हेल्दी और हाइजेनिक नहीं होता, बट बच्चे जो ज़रा इनको लाइक करते हैं ऐसी चीज़ों को। और अब इसके साथ साथ मैं ये शुगर सिरप डाल रही हूँ ताकि इससे थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है और शाइन हो जाती है। अगर आपके पास नहीं है और इजीली इसके बगैर भी बना सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा, बस थोड़ा सा ग्लेज आ जाता है। और ये मैंने इस तरह से स्क्वायर्स के अंदर डाल के बिल्कुल अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है, क्योंकि थोड़ी सी देर में डिसॉल्व होता है। इस तरह से आप कंटिन्यूस इसको स्टेयर करते रहें कि ये लग ना जाए, क्योंकि इसमें स्वीट भी है, और बहुत तेज़ फ्लेम नहीं रखना है, थोड़ा मीडियम ही रखना है। और इसके साथ साथ जब जैसे ही ये रेडी हो, क्योंकि हमने केक का हर चीज़ रेडी कर ली है, अब ये इसको मैंने थोड़ा कट किया था तो ये सॉफ्ट होने की वजह जल्दी से मुझसे टूट गया था। अगर ऐसा आपके साथ हो जाए एक्सीडेंट तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ये आराम से वापस आपकी आइसिंग से जुड़ जाएगा। और मैं इसके अंदर चेरी सिरप पोर कर रही हूँ, अगर आपकी मर्जी है शुगर सिरप पोर कर लीजिए, और अगर नहीं करना है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, केक बहुत सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अगर फ्रिज में थोड़े एक आध दिन रखना हो आपको, तो आप इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप इसको मॉइस्ट कर दीजिए किसी भी सिरप से। और इस तरह से मैंने इसके वो मॉइस्ट करके इसको वो कर लिया। मैंने इसमें बीच में ज़्यादा क्रीम नहीं लगाई, क्योंकि बहुत हैवी होने लग जाएगा, तो थोड़ा लाइट ही मीठा पसंद करते हैं बच्चे, इसलिए अगर आप चाहें तो इसके बीच में भी आइसिंग कीजिए। अब मैं इसके पर पोर कर रही हूँ, कोशिश कीजिएगा इसको बहुत ठंडा ना हो देने की, क्योंकि वो उसी में वापस जम जाएगी। थोड़ा हल्का मीडियम जब ये गर्म हो तो आप इसको फ़ौरन इस पर पोर कर दीजिए इस तरह से, और एक नाइफ्स की मदद से आप इसको स्मूथ कर लीजिए। और स्मूथ करने के बाद इसके आप जिस तरह मर्जी चाहे आइसिंग कीजिए, जैसे आपका दिल चाहे, मुझे जो समझ आया मैंने उस वक्त ये कर लिया है, आप जिस तरह कर सकते हैं। अब ये केक बनाने की ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो, आप हल्का फुल्का भी इस टाइप से आप घर में डेकोरेट करके अपनी पार्टीज़ में, बच्चों की सेलिब्रेशंस के लिए, या किसी भी आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप गेस्ट और बच्चों के लिए ही बनाएं, कभी कभी ख़ुद के लिए भी इंजॉयमेंट किया करें। अब ये मैं इसके थोड़े से टायर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ढक कैप यूज़ किया है, और उसके साथ शॉपर हैंडल कर दिए ज़रा, ताकि मैं इसको ईज़िली आउट कर सकूँ और एक शेप भी बन जाए प्रॉपर। इस तरह से मैंने इसको करके इसके सारे टायर बना लिए थे।
और अब आप जो जैसा आप जिस शेप का हो आप उसको उस तरह से करना चाहे तो आप सादा ही रहने दीजिए, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आप सादा से बना के हल्का सा इस पर स्प्रिंकल कर दीजिए। और ये बस मैंने ऐसे इस तरह से करके रेडी किया था। आप देखिए कितने आसानी से इसकी आइसिंग रेडी हो गई है। और आप बनाएंगे और खाएंगे तो उसके टेस्ट को ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसे लगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। और क्विक और झटपटे बहुत आसानी से बन जाता है व्हिपिंग क्रीम के मुकाबले में, क्या इसको चिल करो और फिर इसके बाद इसको बीक करो। थोड़ा सा हेडेक और झंझट है जिसमें अजीब सी मुझे वो लगता है इसको बहुत टाइम तक देर तक उसको हैंडल करना, इसलिए फिर मैं इसको ईजी और आप इसको बाहर भी आउट रख दें तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि मेल्ट हो जाएगा, और इतनी जल्दी कोई मेल्ट नहीं होगा। इसको थोड़ा सा चिल करके आराम से इसको यूज़ कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपनी पार्टीज को। और दुआओं में याद रखिएगा, बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।